हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्रॉस कल्चरल। और जैसा कि मैंने आप सभी के साथ प्रॉमिस किया था, मैं वापस आ गई हूँ एक और रिएक्शन वीडियो के साथ में। और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करूंगी, उस वीडियो का नाम है टिकटॉक इवोल्यूशन 2019 और ये भी एक कैरीमिनाटी का वीडियो है। सो लेट्स सी किस वीडियो में क्या है। वैसे भी टिकटॉक मतलब मुझे पसंद भी है, कई बार बहुत बुरा भी लगता है, अजीब चीजें होती है उस पे यार। सो लेट्स सी कि इसमें कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ अजीब है, किस चीज का मिक्सचर है इस वीडियो में। लेट्स बिगिन द वीडियो। पापा मुझे टिकटॉक के लिए नया फोन चाहिए। पापा दिलवा दो ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। तो कैसे हैं आप लोग? आज से कुछ दिन पहले मैं अपने लिए नए कपड़े लेने गया था, क्योंकि फैशन का तलवार मुझे भी दिखाना है। खैर मैं वहां पर क्या देखता हूँ, एक 4 साल की बच्ची अपने मम्मी के फोन पे टिकटॉक देख रही है। उस बच्ची के हाथ में फोन पूरा आ भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी गर्दन यू ये जरूर हो रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है जिसका नाम है टिकटॉक। साला भारी नहीं आ रहा, एक नया दौर आ चुका है जहाँ छोटू से लेके मोटू तक, चोमू से लेके मोमू तक सब टिकटॉक बना रहे हैं। और कुछ दिन की बात है टिकटॉक इस देश का राष्ट्रीय ऐप घोषित कर दिया जाएगा, तब सब लोग बोलेंगे वाह मोदी जी वाह। ठहराओ, अपने फोन से ये कब्ज हटाओ और शुरू करते हैं बिना किसी मजबूती के। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जब इसके घर लाइट जाएगी तब इसके बालों में आग लगा दी जाएगी, फिर ये भोसड़ी का मशाल बन के घूमेगा। ये मछली धरती पे कैसे आई? मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई धरती पे तैरने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये वीडियो खत्म हुई ना, ये जलविन मछली वापस पानी में कूद गया। भाई वीडियो डाल दीजो, मैं जा रहा हूँ, आपको मीन ने पंचायत बिठाई है। हाय हाय, माशाल्लाह ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया सिवाय मेरे नंबर के। अब दुकान पे ध्यान दो, कपड़े नहीं बिक रहे तुम्हारे। और ये कैसा स्वैग है, ऐसा करके नाक से नकते लो, ये लड़कियां फ्लैट कर रहे हैं। गले में चुंगम अटकी है या लौड़ा, ये कैसी धूप बना रहा है भाई को, ब्लू बॉल्स हो गए हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे सारे प्रपोज डिलीट कर दो। सिर्फ एक फोटो रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हिलाते वक्त मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्यों चिंगार रहा भाई, रुक जा। जिंदगी में मोहब्बत के अलावा कुछ है नहीं क्या? कि फ्रेंडों में की तरह क्यों बात कर रहा हूँ यार, मेरे से तो कहते हैं डेडिकेशन। हाथ टूटा हुआ तब भी मान नहीं रहा है, लौंडा ऐसे ढूंढके लगा रहा है जिसे देख के शिल्पा शेट्टी भी कहेगी भाई तू कर ले पहले। दोस्ती कैसी होनी चाहिए रे, अपनी जैसी, मतलब कैसी? इतनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। ये लौंडे डिज्नीलैंड में जीते हैं, मतलब एक अगर अपने आप को गोली मारेगा तो दूसरा भी मारेगा। इसे दोस्ती नहीं चूतियापा कहते हैं। अगर इन दोनों को मुंह आता है ना, तो इनमें से सिर्फ एक ही चाहता है कि भाई तेरी तरफ से मैं हो जाऊंगा, और फिर गाना बजता है। तो फिर तो तुम चूतिया हो ना, क्यों कर रहे हो इंतजार? अपना मनु शरीर उठाओ और हलवाई के पास जाओ। बच्चों को ड्रिप चढ़ाओ यार इसके, परसों ही मर जाएगा ये। हमें बादशाह बनने का कोई शौक नहीं, अपने शौक पहले से ही बादशाह जैसे। छत पे क्या उठे, छत के लिए बादशाह
बादशाही लंड नहीं, एक बादशाह का यही तो शौक होता है, ईंट की दीवार पे चढ़ के अपने घुटने ऊपर नीचे करना। यार अगर खेतों में भी टिकटॉक बनेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। बारबी का नया एडिशन निकला है, लंडधारी बारबी, और इस एडिशन में बारबी की मूंछें भी हैं। फिलहाल ये बारबी दुबई में किसी शेख के नवाबी शौक पूरे कर रही है। मौत से डर नहीं लगता मुझको, सस्ते नशे करके टॉप बनाई जा रही है। ये गरीबों का जय देवगन पत्थर खाता है, सलाद के दांतों में कोई स्वच्छ भारत अभियान चलाओ। मुझे तो काफी अच्छा लगा, लोग थोड़े पागल होते हैं, दैट इज करेक्ट, मतलब थोड़े नहीं बहुत ज्यादा वियर्ड। मैं इतनी जजमेंटल हूँ नहीं जितनी आपको लग रही होगी इस वीडियो के दौरान, क्योंकि यार डोंट जज मी यार, लोगों ने क्या क्या हरकतें की आपने खुद देखी है, और कैसे कैसे क्या क्या चुतिया पे किया है तो हम सभी ने देखी है। और आपको वीडियो कैसी लगी यार मुझे बताइए इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल, लव यू ऑल, एंड आई बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस। टिल देन सलाम अलैकुम, नमस्कार।